2013 में फरीदाबाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिस समय वहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद थे मिस्टर शत्रुजीत कपूर साहब। उस समय फरीदाबाद के सारे बच्चों का क्विज कंपटीशन कराया गया था, उसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया था। उसके बाद स्टेट लेवल पर निर्णय लिया कि हर साल ये क्विज कंपटीशन कराया जाएगा। तो 2014 और 2015 में भी कराया गया था। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे उस पर मुख्य अतिथि के तौर पर। इस बार भी जो है हम लोग स्टेट लेवल का जो है कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं। तो आज यहाँ करनाल और नौ डिस्ट्रिक्ट में जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनका रिटर्न एग्ज़ाम हो रहा है। इसके बाद फिर 6 तारीख को सारे के सारे स्टेट में हर एक स्कूल का और कॉलेजेस का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद क्विज़ की टीम्स जो है 36 टीमें सिलेक्ट की जाएंगी, उसके बाद 6 टीम, उसके बाद फिर स्टेट लेवल पर कॉम्पिटिशन होगा उनका और स्टेट लेवल पर उनको रिवार्ड मिलेगा। इसका क्या फ़ायदा है? इसका मेन मकसद हम लोगों का यह है कि जो स्कूल के बच्चे हैं और कॉलेज के बच्चे हैं आगे जाके वही जो है हमारे पोटेंशियल ड्राइवर्स बनने वाले हैं। तो एक बार अगर बच्चा अपने घर में किताब लाकर पढ़ता है तो उनके पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि आगे जब ये ड्राइविंग करेंगे तो कम से कम हम लोग इतना तो है कि आगे हम लोग 37 लाख 40 लाख जो है नए बच्चे नए ड्राइवर्स को पूरी तरह से जो है वेल इन्फॉर्म्ड ड्राइवर्स हों, अच्छे ड्राइवर्स हों, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी आ सके। इस मामले में हमारा शायद ये प्रयास सार्थक हो सकता है। काफी बच्चे नाबालिग बच्चे स्कूटियां काम चलाते रहते हैं। हाँ, इसके लिए जो है यहाँ करनाल में एसपी साहब ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो भी उन बच्चों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। तो अभी एक्सपेरिमेंटल पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है, आगे ये कामयाब रहता तो हम लोग सारे स्टेट में इसको करेंगे। आज हमारे कॉलेज में सभी बच्चों ने इस ड्राइविंग के बारे में ये पेपर दिया है, तो इसका बड़ा फायदा है। सभी बच्चों के पास लाइसेंस होने चाहिए जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो, हेलमेट वगैरह डालने चाहिए जिससे सभी बच्चों और जो बड़े हैं सभी को फायदा हो। तो आगे क्या फायदा होगा, ड्राइविंग अच्छी करेंगे बच्चे? हाँ, शायद बच्चे ठीक से करना स्टार्ट हो जाए, मतलब हेलमेट होएगा तो उनके सिर की मतलब सेफ्टी रहेगी, जिससे उनकी कोई दुर्घटना ना हो, सही साइड में चलाएंगे तो सही रहेगा इससे। तो क्या कहेंगे जो बच्चे ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन करते हैं उनको, उनके बारे में क्या कहेंगे, नहीं करना चाहिए? वैसे उनको उल्लंघना नहीं करनी चाहिए, जिससे ट्रैफिक रूल्स को मतलब सही हो। इससे क्या नाम है आपका?